बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने गुहार लगाई, बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा, हमारे श्रद्धेय राजनाथ जी ने भी कहा, कि आप मणिपुर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, भागे ये हम नहीं, भागे ये और हम नहीं। और भागने के पीछे कारण क्या? क्योंकि गृह मंत्री जब बोलने लगेंगे, पर्ते जब खुलने लगेंगी, तब ये मौन साध लेंगे। मौन मुद्रा का उल्लेख हुआ था, मौन थे ये लोग कई चीजों पर और आज भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में केपीएमजी की एक रिपोर्ट है जो इनके कार्यकाल से संबंधित है, जो कहता है कि करप्शन की वजह से यूपीए की कार्यकाल में हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ को 9% का नेगेटिव इंपैक्ट होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज बोल रही थी, लेकिन ये चुप थे, आज भी चुप हैं। जो लोग जीरो लॉस थियरी सिखाते थे, आज उसी कांग्रेस के एक नेता को कोयला घोटाले के लिए सजा हुई है और वो चुप है, लेकिन चुप। और बहुत सारी चीजों में रहे महोदय, 2005-06 में यूपीए की सरकार को ये ज्ञात हो गया था के कूले में शौच करने की वजह से महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। 2005-06 में इनको पता था, ये सरकारी सर्वे में ज्ञात हुआ है, लेकिन ये चुप थे। 2010 में हुआ 110 मिलियन टॉयलेट, ये हंसते हैं इस पे अध्यक्ष जी, शायद इनको पता नहीं है कि एक महिला के लिए दिन की शुरुआत में शौच के लिए बाहर जाना या सूर्यास्त का इंतजार करना, शौच के लिए बाहर जाना और वहां उसका शारीरिक शोषण होना, बलात्कार होना, ये कितनी बड़ी सामाजिक और क्रिमिनल चुनौती है, इस बात से इनको कोई सरोकार नहीं, इसलिए उपहास का विषय बनाते हैं।